Good afternoon, everyone. Such a joy to see so many bright students and their parents sitting here, curious, wanting to know, understand, and aspire to be engineers and doctors. This nation, it will become a superpower only when we nurture our brains and make them reach the fullest potential. I remember when I was in a village, mandir mein jaake bhagwan se puja karte hue do cheeze mangta tha. Bal, thoda sa gaon mein pehlwani wagaira ka shauk hota hai. To my father was a wrestler, to bhagwan mujhe taakat do. And buddhi, padhne ke liye dimag do. Itna confidence aur ghamand to mujhe tab tha, paisa nahi mangta tha. दिया गांव से आईआईटी पहुंच गया. माय फादर प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल हियर. आई रिमेंबर ऑल माय रिलेटिव्स हैड गैदर्ड एंड दे वर ट्राइंग टू कन्विंस माय डैड कि इसको बेस्ट स्कूल से निकाल लो, जो वहां का नंबर वन स्कूल था. उसमें बहुत फीस थी, बहुत खर्चा था. पांच भाई, चार बहनें, आई एम द एल्डेस्ट सन. तो इसको इतना पैसा मत खर्च करो और इस स्कूल से निकाल लो और किसी हिंदी मीडियम में पढ़ाओ और इसको खेती में यूज करो, अब ये बड़ा हो गया है. तो सब समझा रहे हैं, वेल विशर्स, सारे रिश्तेदार. मेरा फ्यूचर डिस्कस हो रहा है तो मैं ध्यान से सुन रहा था. तो मेरे फादर ने एक आंसर दिया सबको कि मैं बस इसकी बुनियाद मजबूत करना चाहता हूँ, फाउंडेशन स्ट्रांग करना चाहता हूँ. एक बार ये 12वीं यहाँ से कर लेगा. एक रिलेटिव ने एग्जाम्पल भी दिया कि मैंने 12वीं के बाद डोनेशन देके 1.5 लाख रुपया देके चंद्रपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने बेटे का इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन करवाया, तू कहाँ से लाएगा इतना पैसा. सो माय फादर्स आंसर वाज कि मैं सिर्फ इसकी बुनियाद, फाउंडेशन स्ट्रांग करना चाहता हूँ. उसके बाद ये GDA में क्लर्क बन सकता है, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी नियर टू माई विलेज. ये दरोगा बन सकता है. तो वो सोच के फाउंडेशन स्ट्रांग करना चाहता हूं. पांच भाइयों में से चार भाई, तीन भाई IIT इंजीनियर बने, एक भाई IPS ऑफिसर बना यूपी कैडर में. और ये चीज मैंने अपने फादर से सीख के, बीट लाइफ, be it teaching physics, be it running pace, I learned this approach ke keep the fundamentals right, keep the foundation strong. Agar aap bunyadi cheezein sahi karenge life mein, to everything else will fall in place. Maine kabhi sapne mein bhi nahi socha tha ke pace itna successful, itna bada brand ban jayega, ya mujhe इतना भगवान ने इतना नोबल. मैं तो ये सोचता था कि मैं IIT के बाद सब लोग तो अपनी पढ़ाई करते हैं और मुझे ट्यूशन्स पढ़ाने होते हैं, क्योंकि सर्वाइव करना है, पूरी फैमिली को सर्वाइव कराना है. तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था. तो उस टाइम पे मुझे ये लगता था कि यार थोड़ा डिसएडवांटेज है मुझे, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है. मेरे सारे दोस्तों IIT की क्लास खत्म करके आके हॉस्टल में और पढ़ना शुरू कर देते हैं और मैं निकलता हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए. आज मैं थैंक्स बोल रहा हूँ. हम लोगों को उस स्टेज पे नहीं समझ में आता है जब हमारे साथ कुछ हार्डशिप, कुछ स्ट्रगल होती है, तो हमें समझ में नहीं आता है. हम रोते हैं भगवान के सामने कि यार ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसे. और बाद में जब उसका रिजल्ट देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि अरे अच्छा ही किया, थैंक यू सो मच. तो दैट इज द काइंड ऑफ. तो ये जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग और ये प्रोफेशन इतना नोबल है कि आज मेरे सबसे पहले बैच में BRC साइंटिस्टों के, मैंने अपनी समर ट्रेनिंग BRC में की थी, तो वहाँ पे कुछ साइंटिस्टों ने जो थोड़े से मेरी सिंसियरिटी से इम्प्रेस थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तुम बॉम्बे आए हो. मैं शुरू में आया था तो तुम स्कूल में ही आके उनको आफ्टर स्कूल आवर्स उन्हें पढ़ा दिया करो. BRC एटॉमिक एनर्जी स्कूल नंबर 4, उन्होंने कुछ
30-32 बच्चों ने एक साथ एडमिशन लिया, सर्वाइव करने के लिए इनफ पैसा आ गया. उस दिन भी जब मेरे पास पैसे भी बहुत कम थे, तो मेरी सोच ये थी कि आई रोप्ड इन द बेस्ट मैथ्स टीचर, आई रोप्ड इन द बेस्ट केमिस्ट्री टीचर, टॉक टू देम, पेड देम वेरी हैविली ऑन आर्ली बेसिस, एंड हम तीनों टीचर्स जाके BRC में एटॉमिक एनर्जी स्कूल नंबर 4 में क्लासेस लेते थे उन बच्चों की. मैं क्रचेस पे था, थोड़ा स्ट्रेस में आ गया था, रात दिन पढ़ा रहा था. तो वो तीन बच्चे जो क्लास के बेस्ट बच्चे थे, वो एक मेरी क्रचेस लेके चलता था और दो कंधे पे हाथ रख के चलता था, मुझे टैक्सी दिलाने के लिए रोड तक लेके आते थे पहाड़ी से वहां तक. तो मैं उन्हें बोलता था कि यार तुम तीनों का ब्रेन बहुत अच्छा है एंड आई एम श्योर तुम तीनों टॉप 100 में आओगे. और वो बोलते थे सर हम आपको एनीवेज छोड़ने आए करेंगे, आप क्यों मस्का लगा रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो आप. सो उन्हें लगता था मैं उनका दिल खुश करने के लिए ऐसे ही बोल रहा हूँ. फाइनली उन तीनों की रैंक थी 67, 69, 76. उनमें से एक बच्चे ने, पराग अग्रवाल ने, वन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, माई फर्स्ट गोल्ड. एंड टुडे दैट बॉय पराग अग्रवाल इज द CTO ऑफ ट्विटर. अब ये सब वर्ड ऑफ माउथ बहुत फैलता है, मुंबई शहर की ये स्पेशलिटी है. तो उसकी मम्मी, यशोधन की मम्मी की फ्रेंड थी, आपस में कुछ बात हुई होंगी. तो उसी ईयर 2001 में जब पराग पास आउट हुआ, तो यशोधन एक बच्चा अपने फादर के साथ क्लास में आया, बोलते हैं कि सर हमने थोड़ा सा सुना है बट आप बहुत यंग हैं, हम आपका एक लेक्चर अटेंड करके देखना चाहते हैं. मैंने कहा मैं 12th का बैच पढ़ा रहा हूँ, बच्चा अभी 10th से पास हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा. हिज फादर सेड के सर मेरा बेटा टॉपर है कैंपियन स्कूल का और उसको सीखने की बहुत जिज्ञासा है, और हमें थोड़ा सा संशय बस आप ही के ऊपर है, बाकी दो टीचरों का तो हमने सुना हुआ है, दे आर वेरी गुड, आप बहुत यंग हैं और हम आपका 10 मिनट अटेंड करना चाहते हैं लेक्चर. मैंने कहा बैठिए. वो 10-15 मिनट बाद चले गए. जब मैंने ब्रेक दिया लेक्चर में, तो मैंने बाहर रिसेप्शन पे पूछा कि क्या हुआ, कुछ बोल के गए क्या. द चाइल्ड वॉज ऑल इंडिया ICSE बोर्ड टॉपर ऑफ दैट ईयर, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा क्यूरियस था. तो उन्होंने कहा हाँ सर, वो फीस भर के और चेक दे के चले गए. दिस इज हाउ ही जॉइन मी. दिस बॉय वॉज रैंक 1 इन 2003 इन द कंट्री इन IIT, यशोधन कनौरिया. एंड पूरे वर्ल्ड में जो ऊबर चल रहा है, ऊबर कैब्स, ही हैज रिटन द सॉफ्टवेयर ऑफ इट. तो इस तरह के बच्चे आपको अपने करियर की शुरुआत में मिले, ये डिवाइन है. दिस इज नॉट माई प्लान. इनफैक्ट द फर्स्ट स्टूडेंट हु टुक एडमिशन इन पेस, निरंजन देसाई, ही गॉट सेलेक्टेड इन IIT एंड ही इज अ प्रोफेसर इन पर्ड्यू यूनिवर्सिटी. ही रिसेंटली 1 month बैक केम टू मीट मी. आई फील आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, ट्रस्ट मी, एंड द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ दिस स्टेट. आई गो टू मंत्रालय, इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट और इतने दिल से चीफ मिनिस्टर को भी कोई ब्यूरोक्रेट नहीं करते होंगे इतने ब्यूरोक्रेट जितना मुझे करते हैं. और रीजन क्या है, सबके बच्चे पढ़ा पढ़ा के IIT में भेजे हैं. सो जस्ट 2 days बैक आई वॉज देयर, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अमिताभ गुप्ता जी, उनकी बेटी और बेटा दोनों पेस में पढ़ के IIT गए. CM सेक्रेटरी भूषण गगरानी जी, ये पावर है मेरी. काम मेरा कुछ पड़ता नहीं है, मैं कोई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद नहीं हूँ कि मुझे किसी का कुछ नुकसान या फ़ायदा करना है, ना मैं कोई बिल्डर हूँ कि मुझे ज़मीन अलॉट करानी है, उनकी सिफारिश मेरी डोमेन में चलती नहीं है. बट यस, आई थैंक द ऑलमाइटी दैट ही गिफ्टेड मी विद अ प्रोफेशन विच इज सो फुल ऑफ जॉय. यू स्पेंड योर बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ ट्रेनिंग द बेस्ट ब्रेन्स, यू एन्जॉय. आप जब यशोधन की क्लास में, मैं लेक्चर में एक सांस भी लेता था ना बोर्ड पे, अगर मैंने पॉज भी ले लिया, तो वो ये जानता था कि इस वक्त सर के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या सोच रहे हैं और ये पॉज क्यों लिया है. दिस काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ब्रेन्स, एरर फ्री. देन एवरी ईयर 2009 में तीन बच्चे, 4th rank, 6th rank, 13th rank, अभिषेक की मॉम तो यहीं पे बैठी हुई हैं, आई एम सो थैंकफुल टू यू, सो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट यू आर हियर
In fact, please stand up once. She is herself a teacher. Her son was 13th rank in India and a silver medalist for in International Chemistry Olympiad, Abhishek Padmanabhan. I US gaya, main aapko ek nutshell mein bata dun, how's this wealth that I possess. To main US mein gaya, to main jahan jaun, jis city mein, main Harvard gaya, to wahan pe mere 10-15 bachche, koi MBA kar raha hai, koi MIT mein padh raha hai, wo sare Boston mein wahan aa gaye. और मैं उनके साथ रोज शाम को अब प्लान हो रहा है डिनर करेंगे यहां मिलेंगे फिर यहां घूमने मेरा पूरा शेड्यूल उन्होंने प्लान किया हुआ था सैन फ्रांसिस्को गया स्टैनफोर्ड और यहां फिर 10-15 बच्चे इकट्ठे हो गए वहां पे सो यू फील कि यू आर लिविंग योर लाइफ मैं कुणाल की मम्मी यहां पे होंगी नीपा शाह मैम हर सन टुक मी टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ द गूगल वेयर ही इज वर्किंग एंड वी प्लेड Billiards there. तो जिस जगह आप जाते हैं और आपके students वहाँ छाए हुए हैं, आपको और क्या चाहिए? उस respect से ज़्यादा आपको और क्या ज़रूरत होती है? और वो आप पैसे से खरीद ही नहीं सकते। ऊपर तक balcony and balcony की भी balcony. What a lovely hall, no? It belongs to a temple actually. So now you all come to learn. Today. So how many of you want to get into IIT? Dil se haath upar karo. Koi trick question nahi hai. How many of you want to or you want your kid to get into IIT? Because I know parents bhi hain. Let's see. Aaj sharmane wali jagah nahi hai ye. Okay. And medical. And how many are yaar kahin bhi ho jaye achhi jagah. Haan? कुछ बन जाए नाइस वेल यू कम हियर इट्स अ स्टार्ट क्योंकि संडे को बहुत कुछ कर सकता है आदमी सो सकता है ना टीवी देख सकता है वीडियो गेम्स खेल सकता है इंस्टाग्राम पे सेल्फी लगा सकता है पर आप लोग यहाँ आए हो दैट मीन्स यू आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड राइट So, and I have come here to PACE. I've done many events with PACE. PACE is the only one jo meri photo bus pe laga deta hai. Sara din mere dost mujhe WhatsApp karte rehte hai. Oh, ye bus gayi, dekh teri photo. Ye bus gayi, teri. Mere ka sari buso pe hai. So, thank you for that. Lot of people don't know this. Praveen Tyagi jo hai, ye mera junior hai. From IIT Delhi. He actually was the same hostel also. So he is really like that junior जो तुम्हारे hostel में है अब नहीं allowed है उस time पर ragging भी होती थी तो जो three idiots में ragging वाला scene है वो मतलब कहाँ से inspired है थोड़ा आपको idea दे रहे हैं आज suit फूट पहन के बैठा है उस time क्या पहना था प्रवीण जरा बताओ ना तो उसका इफेक्ट ये हुआ है कि इवन दो ही इज अ फ्रेंड वो थोड़ी सीनियर वाली बात रहती है मेरे घर में मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता मैं कोई इतना स्ट्रिक्ट टाइप लगता नहीं हूँ लेकिन ये मेरे से हमेशा इसको होता है कि अब मेरी क्लास लगाएगा आके क्यों बुला रहा है मेरे को इसको मैं वैसे इतने पूछता भी नहीं बट ही गेट्स दैट फीलिंग क्यों बुला रहा है क्या क्या करते हो तुम पेस में ये क्या चल रहा है तो हर बार सबसे पहले ये मुझे फ़ोन करके बोलता है कि यू नो इस बार महाराष्ट्र के जो 10 टॉप रैंक्स आईआईटी में हैं 7 से 8 बच्चे हमारे हैं मैंने कहा पेपर लीक कराया था तो क्या बोल रहे हो सर जेई का पेपर जिस दिन लीक हो गया तो मतलब इंडिया रुक जाएगा सो ऑब्वियसली नॉट देन ही जस्ट टोल्ड मी कि 50-60% ऑफ ऑल द चिल्ड्रन हु आर गेटिंग इनटू आईआईटी इन मुंबई आर फ्रॉम पेस बड़ी अच्छी बात है यार प्रवीण तुमने तो कुछ कर दिखाया मुझे नहीं पता था दैट्स रियली गुड एक्चुअली एंड आई विल टेल यू ऑनेस्टली हाँ एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज प्रवीण है यहाँ पेस है ऐसा ये कुछ नहीं है द आईआईटी एग्जाम इज टफ डू नो हाउ मेनी पीपल टेक दैट एग्जाम हाउ मेनी लैक्स समबडी सेड द राइट नंबर
12-13 lakhs, है ना? हाँ, आईआईटी में होना मतलब अनूप जिलोटा के लिए गर्लफ्रेंड बनाने से ज़्यादा मुश्किल है. सॉरी, आई कुडंट हेल्प इट. आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद हिम दीज डेज एक्चुअली. सो जहाँ भी मैं जाता हूँ, थोड़ा मुझे लगता ही है कि एक आईआईटी टॉपर है और एक अनूप जिलोटा है. दोनों मतलब भजन सिंगर यार. It is like, no, I will talk about other things, but let me spend 2 minutes on Jalota ji. Because you can be inspired from anywhere in life. I'm doing it. You know, YouTube, pe, Anum Jalota ji ka jo ek meera ho gai, magan ek bhajan wagera hai. Pehle comment hota tha, 10 din pehle comment tha, what a voice, what a melodious voice. Huh? Ab aap jaoge to top comment hai. जिलोटा जी बिग बॉस देखा, सच में अगर प्रभु की कृपा किसी पे है तो आप पर है. एनीवे, वी कम बैक टू द टॉपिक. अब आप लोग तो भजन सिंगर हो नहीं, तो दोस्तों अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो कुछ कमाल का करके दिखाना पड़ेगा, है ना? और आईआईटी में घुसना कुछ कमाल का करने के बराबर है. सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि इट इज़ नॉट अबाउट पेस, इट्स नॉट अबाउट प्रवीण, इट्स नॉट अबाउट मी. दिस एग्जाम इज़ डिफिकल्ट. 12-13 लाख एग्जाम देते हैं, 10-11 हज़ार सीटें हैं, है ना? 100 में से एक का होता है, राइट? इट इज़ समथिंग लाइक आप एक कोक की बॉटल लो, उसमें से एक चम्मच कोक निकालो, वो रख लो, बाकी फेंक दो सारी. दैट इज़ 1%, यू नो, और 2%, वट एवर वे यू लुक एट इट. सो आई आस्क प्रवीण कि यार ये 1-2% वाला एग्जाम है, तुम लोग क्या करते हो ऐसा? ही के नॉट, एंड अगर यहाँ लिखा होता ना गारंटीड, तो मैं तो भाग जाता यहाँ से. पर कहीं भी गारंटीड नहीं लिखा है. गारंटी तो लाइफ में किसी चीज़ की नहीं है, है ना? सो आस्क हिम व्हाट इज़ यू, हाउ डू आई मेजर. सो वन ऑफ द स्टेटिस्टिक्स आई यूज इज़ कि कितना एवरेज सिलेक्शन रेशियो है, मतलब कितने बच्चों को आईआईटी में होता है और कितनों को कितने लोग एग्ज़ाम देते हैं. So that I told you is around 1% or something. So pace ka kitna hai? Jitna pace ka agar jyada kam hoga to matlab to bahut hi gadbad wali baat hai. But how much advantage does one have? Pace selection ratio is 20-25%. Matlab 20 times your chances increase to 25 times your chances increase. It is not guaranteed. You know why it's not guaranteed? Because it is based on your hard work. Your hard work. All the teachers here can't make it happen. Ultimately, it's going to be your hard work. And we're going to talk about that. I heard last year state rank 1, 2. 20-25% of PACES kids get into IIT. 90% of them get into IIT or NIT. काफ़ी लोगों ने, मैंने हाथों पर कितना, कोई अच्छी जगह हो जाए, 90% ऑफ पीपल डू. बट ऑफ कोर्स इज नॉट दैट इजी टू गेट इन टू पेस ऑल्सो, यू नो, दैट्स बिकॉज देर इज अ सर्टन स्टैंडर्ड. लॉट ऑफ पेस स्टूडेंट्स आर नॉट जस्ट इन IIT, दे आर इन MIT, स्टैनफोर्ड, थिंग्स लाइक दैट. एंड टूडे ऑल ऑफ यू आर हेयर बिकॉज आप लोग भी वो चाहते हो, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल? हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल? शर्माना नहीं है, ठीक है? कोई क्वेश्चन खड़ा होकर क्लास नहीं लगाऊंगा मैं. इट्स अ जेन्युइन थिंग. मैं यहाँ आया हूँ, मैं आपको कुछ बता के जाना चाहता हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल? रेज योर हैंड जरा जम के. ओके, आई विल से यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू से यस. ओके ओके, हाँ पूछने तो दो यार. yes. पहले ही सर, मैं फर्स्ट. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल? इतनी दबी आवाज में सक्सेस मिलेगा? हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट बी सक्सेस? यू वॉन्ट बी सक्सेसफुल? सक्सेसफुल? इतनी गला फाड़ के बोलो अभी. यू वॉन्ट बी सक्सेसफुल? सी द डिफरेंस. दिस इज मोटिवेशन. इन 10 seconds द वॉल्यूम वेंट अप 5 times. हर जने में जितना उसको लगता है उसकी कैपेबिलिटी है, अगर करेक्ट मोटिवेशन मिले, करेक्ट डायरेक्शन मिले, तो वही चीज़ 3-4-5 गुना वही इंसान अचीव करता है. कैसे? इतनी जोर की अभी सबने बोला था,
राइट एक बार और लास्ट टाइम जोर की करते हैं यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इट्स जस्ट गेटिंग बेटर वी कुड डू दिस ऑल डे लॉन्ग वी आर नॉट गोइंग टू आई एम गोइंग टू टेल यू ऑन हाउ टू बी एन अचीवर हाउ टू बी अ सुपर अचीवर दो तरह के लोगों को टॉक के लिए बुलाया जाता है एक तो जो सच में बहुत जीनियस होते हैं जैसे सचिन तेंदुलकर को बुला लो यहाँ पे तो आप इम्प्रेस हो जाओगे सारे बोलोगे वाह यार सचिन सचिन करोगे राइट पर अंदर से आपको पता है आप में वो सचिन वाली एबिलिटी है नहीं आप तो नहीं बैट वैसे घुमा सकते जैसे वो घुमा सकता है वो तो गॉड गिवन है दूसरा उन टाइप के लोगों को बुलाया जाता है जिन्हें देख के लगता है यार इसका हो सकता तो मेरा भी हो सकता और अब आप हंस रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि मैं उनमें से हूं ऐसे नमूनों की वैल्यू ज्यादा है राइट कि यार इसका हो गया तो मतलब ये तो नॉर्मल सा ही लग रहा है नॉर्मल लोगों का ही होता है सच्ची बता रहा हूं आपको नॉर्मल लोगों का ही होता है हाँ द करेक्ट मोटिवेशन द करेक्ट ड्राइव द करेक्ट गोल सेटिंग इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है सारे जीनियस नहीं जाते वहां पे जीनियस सारे होते ही नहीं है बहुत ही कम लोग होते हैं लेकिन इतने सारे बच्चे कैसे जाते हैं कैसे 25% बच्चे कैसे 90% बच्चे उसमें जा रहे हैं बिकॉज देर इज समथिंग मोर देन इट टेक्स कि नॉर्मल पीपल कैन ऑल्सो गो आपने बोला सक्सेस यू वॉन्ट है ना आई वॉन्ट गो इन टू डिटेल्स बिकॉज देर आर लॉट ऑफ वंडरफुल स्पीकर्स हेयर सो वी विल आई कीप इट मूविंग बट वेर एवर आई गो एंड आस्क पीपल सक्सेस क्या है कोई कहता है पैसे कमाना कोई कहता है फेमस होना कोई कहता है खुश रहना कोई कहता है लोग मेरे को माने कोई कहता है पेरेंट्स को प्राउड करना अलग अलग चीज़ें लोग बोलते हैं सक्सेस है और क्योंकि हमने सक्सेस के बारे में बोला और आप सब ने इतनी जोर की यस बोला ये समझना ज़रूरी है कि सक्सेस है क्या राइट नाउ आप अगर 80 साल के हो तो उस हो सकता है उस दिन बाथरूम जाना ही आपके लिए सक्सेस है तो सक्सेस वेरी करता रहेगा लेकिन मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं मोस्टली क्या आई एम एड्रेसिंग स्टूडेंट्स 100% और देयर पेरेंट्स हु हैव कम फॉर द स्टूडेंट्स फॉर स्टूडेंट्स इट्स अ लिटिल डिफरेंट आपको कुछ करके दिखाना है लाइफ में आप ये नहीं कह सकते मेरे लिए तो सफलता ही है कि बस आदमी खुश रहे वो 50-60 ईयर्स वाला कर सकता है कि अब तो मुझे खुश रहना है बस यू नो आपको आप तो टाटा स्काई देख के खुश हो गए तो ये नहीं कि अब मैं टाटा स्काई देखूंगा मेरे को कई लोग आके बोलते हैं सर थ्री इडियट्स में तो आपने कहा था डू व्हाट यू लव आई लव वॉचिंग टीवी सो आई शुड वॉच टीवी आप ही ने कहा है मैंने नहीं कहा है वो डू व्हाट यू लव मींस वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट यू लव पुट योर एफर्ट इन व्हाट यू लव एफर्ट नहीं हटने वाला है लगन नहीं हटने वाली यू नो सो दिस इज व्हाट इज सक्सेस नाउ आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल Who is this guy? कौन सी इसकी लास्ट पिक्चर और उससे पहले वाली कौन सी थी हाँ कौन सी ओके और उससे पहले हाँ ये देखो लोगों को पता है ये चीजें कोर्स में नहीं है फिर भी लोगों को पता है ये क्यों नहीं डालते जेई के कोर्स में ये सक्सेसफुल है सक्सेसफुल है कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं हो रहा आज यहाँ है ना है यार पैसे बनाता है नाम है ऑटोग्राफ्स ले रहे हैं लोग खुश हो रहे हैं ही सक्सेसफुल लेट मी टेल यू हु इज दिस गर्ल ओके एंड दिस इज फॉर समथिंग आई नीड योर इनपुट्स ऑन ऑल्सो सपोजिंग एक गांव की लड़की है उसके पेरेंट्स बोलते हैं टेंथ के बाद अब तू पढ़ नहीं सकती अब तेरे को शादी करनी है राइट वो लड़ती है और कहती कि नहीं मेरे को पढ़ना है और फिर वो ट्वेल्थ के बाद कहते अब तो शादी कर ले कहती नहीं 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 मेरे को तो पढ़ना है एंड देन वो मीडिया स्टडीज़ करती है और एक लोकल केबल चैनल में एक रिपोर्टर बन जाती है ठीक है लड़की सक्सेसफुल है हाँ अब मैं आपसे एक ही बार मैं पूछूंगा वरुण और गर्ल हु इज़ मोर सक्सेसफुल सब ने गर्ल बोला ऑलमोस्ट राइट क्यों लगता है लोगों ने गर्ल बोला Do we have mics for the audience? Ek do handheld mics, please. Just one or two volunteers who can go. Just wait for the mic, huh? Why is the girl more successful?
Raise your hand, who wants to answer? Mic wali didi. Please, just ask. Yeah. Oh, wow. Girls are more intelligent than boys. Ek minute, mic dena. What's your name? Prachi. Huh? Prachi. Prachi, how old are you? 8 years. But you know, if boys work hard, then they can also achieve. Okay. Who are your parents? But I must say one thing. When I was 8 years old, I would not even have the guts to sit in the front row and then to ask give the first comment to a speaker and to be so confident. And I think there is something really, really special about you. And congrats to the parents also that you have truly made her believe. If every Indian girl thinks like that, we are also okay, huh? Boys are also not bad. We are not less intelligent, yeah? We are also same maybe. Almost same, huh? Almost. But if we work hard, we can be same. So it's incredible. Okay, so girls are more intelligent. But any reason, why did people say that the girl is more successful than Varun? The efforts. Effort. Varun ne bhi to effort kiya bichara, roz gym jata hoga, six pack. Aise to nahi aa jata. The girl's efforts are more. More. She has worked more according to you. Why? Why do you think? Other, let somebody else speak. Huh? Achievement though he makes in crores, she doesn't make. She has achieved truly. He has also achieved. Has he but not achieved? But it was his heritage. But she has worked hard from a lower background. Lower background. She has got the true results. Okay. We are coming to the point slowly. She is working towards the direction of her efforts when there was an oppression to what she wanted to do. There was an oppression. Whereas when Varun had to do that, he already had support, back end support from his family. Okay. The girl had to fight it out and then reach to a level what she wanted to. So she's definitely a better achiever. Okay. Thank you. Because the girl has crossed her limits and Varun was like, he was already from the background, like film background. And the girl has crossed her limits to become like the news reporter. Okay. We'll take one or two more, then I have to keep going. Yeah. In spite of having so many obstacles, she did what she wanted. She was focused. Mm-hmm. And she was a gaon ki chori. Gaon ki chori. Okay. Understand. Okay. One last. She has broken her. She has broken her barriers. She did not let. Okay. She did not let the situation stop her, and as she broke each barrier, her confidence level improved, and she grew up as a more successful individual. Okay. Not only. Okay. I think we'll stop because we are kind of got it, and people are saying the same kind of things in different ways. The girl comes from a different background. It is not like Varun has not worked hard. It is not like his success is not real success. It is success. It is not like he... But the girl has come from a more adverse circumstance, come from a different background. There are 2-3 things. If I say to you today in my talk, I can make you more successful than a movie star, then you say, who is crazy? Yeda. In Bombay, they say, na? Pagal ho gaya aise kabhi. But you yourself all said that the girl is more successful. That means you can also be, if you do something like that, you can also be more successful. So I like to keep things simple, you know. And for me, this is a very simple definition of success. Success is when you exceed your aukaat. Jab aap aukaat paar kar lete ho na apni, to duniya aapko successful manti hai. ये जो वर्ड है ना औकात, ये हमारी हिंदी में ही होता है, इसलिए लोग बेचारे इंग्लिश में आंसर दे रहे थे, उनसे आया नहीं. लिमिट शिमिट लोगों ने कहा, पर लिमिट स्टेटस वो फील ही नहीं आता जो औकात का आता है ना. दैट इज
हर इंडियन को अपनी औकात का एहसास दिलाया जाता है, औकात में रहे, वो लड़की तुझसे नहीं पटेगी, औकात में रहे। अनूप जलोटा जी को भी किसी ने कहा होगा, पर उन्होंने पार की और आज सब उनकी बातें कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली आपका पर्पस अलग है, आई होप। औकात एक अजीब सा कॉन्स्ट्रक्ट है, हम सबके अंदर वो एक फीलिंग आती है कि मेरी इतनी औकात है और मैं औकात जितना बड़ा सपना ले सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स की जितनी इनकम थी, जिस घर में वो रहते थे, जिस शहर से हम आए हैं, उससे 10-20% ऊपर का मैं सपना ले सकता हूँ, उससे 10 times, 20 times का सपना मैं नहीं ले सकता। ये हमारे मन में फीलिंग डाली जाती है बहुत जल्दी से। लेकिन ट्रूली सक्सेसफुल आपको तब मानते हैं लोग, स्पेशली जो यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, आपको तब मानेंगे जब आप थोड़ा सा औकात क्रॉस करोगे। और ये जो IIT का एग्ज़ाम है ना, इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है कि आपने अपनी औकात क्रॉस की एज अ एवरेज स्टूडेंट ऑफ इंडिया। यू नो दैट इज़ वॉट इट टेक्स। उस लड़की ने अपनी औकात पार की है, इसलिए आपको वो ज़्यादा सक्सेसफुल लगी स्ट्रेट अवे। वरुण ने भी किया, लेकिन उसका जन्म उसी घर में हुआ है, उसी लेवल में जन्म हुआ है, उसी लेवल को मेंटेन कर रहा है, थोड़ा इम्प्रूव भी कर रहा है शायद, लेकिन इट कैन नॉट कंपेयर टू द औकात की। और आपकी लाइफ में तो वही 100-200 लोग हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो आपको तब ऊपर दिखेंगे जब आप अपनी औकात क्रॉस करोगे। सो दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो अ चांस टू शो कि यू कैन डू इट, यू कैन क्रॉस योर औकात एंड यू कैन गेट सक्सेस, राइट। मैं आपको अपनी औकात बताता हूँ। ये मेरे क्लास 10 के मार्क्स हैं, 76% मेरे मार्क्स आए थे। एंड मेरा घर भी एक मिडिल क्लास घर में हुआ था। अगर आपके पेरेंट्स बिलियनर हैं तो आपके 76 भी आए या 66 भी आए तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को पड़ता था। क्लास 10 में आप कितने साल के होते? 15 साल के होते हो, ऐसे कुछ अराउंड दैट मच। और मेरे को याद है जब मेरा रिजल्ट आया था 76%, घर पे ऐसे रिलेटिव्स वगैरह, मामा जी वगैरह आए हुए, मम्मी आई, डाइनिंग टेबल पे लोग ऐसे बैठे कोई मर गया है। अंदर आया घर एकदम क्वाइट, चलो कोई बात नहीं, दिलासा देते ना लोग, चलो कोई बात नहीं। फिर एक बड़ी थॉट के बाद मामा जी ने बड़ी इंसाइटफुल बात की, चलो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, कुछ ना कुछ, आई डोंट नो इसका क्या मैं मतलब निकालूं, चलो बेटे कोई बात नहीं, अब जाके सो जाओ तुम। मैं चला गया अपने रूम में सोने, कुछ ना कुछ तो करना है। तो कुछ कर रहा था। मैंने कहा मैं प्लान बनाता हूँ अपनी लाइफ का, क्या करूँगा मैं। उस टाइम ना इंडिया में STD बूथ्स बड़े नए नए आए थे, यू नो STD बूथ आप लोगों को पता भी नहीं है, यंग जनरेशन को STD बूथ क्या होता है। पर हमें अगर यहाँ से पूना फ़ोन करना है तो लाइन में लगना पड़ता था एक दुकान पे लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स के लिए। अब कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं होता था तब, आज तो होते भी नहीं STD बूथ, पता नहीं क्या कर रहा होता मैं, शायद जियो के सिम कार्ड बेचता या। पर मेरे को लगा STD बूथ खोलूँगा मैं, और मैं बहुत अगर स्मार्ट हो गया तो 2 STD बूथ हो जाएंगे मेरे, और अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो 4 खोल दूँगा, तो मतलब लाइफ सेट है। तो अगले दिन जाके मैंने फिर डाइनिंग टेबल पे अपना प्लान बनाया कि मेरा ये प्लान है, मेरे को STD बूथ खोल लें और मैं बहुत मेहनत करूँगा, 2 से 4 लेके जाऊँगा। देखा लोगों ने मेरा ऊपर नीचे, औकात मेजर हो रही है कि ये सपना बराबर है औकात के कि नहीं। हाँ ठीक है, कर सकता है, ये कर लेना। दैट वॉज द ड्रीम दैट वॉज डिसाइडेड, और जाओ फिर सो जाओ तुम। फिर मैं सोने गया, मैंने कहा यार ये तो बड़ी जोर की औकात का ठप्पा लग गया मेरी पीठ पे, 76% जैसे टैटू करा लिया है। और ये भी हो गया कि अभी तुमने करना क्या लाइफ में, और तुम 15 साल के हो, और पूरी लाइफ में अब तुम्हें क्या करना है, STD बूथ खोलना है, ये तुम्हारा है, इसके बाद कोई तुमसे कभी कुछ नहीं कहेगा, अब सब कुछ तुम्हें करना है, अब तो यही है। मैं कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा कि लोग मुझे मुड़ के दोबारा देखे, नहीं तो मैं वो बन गया जैसे फैमिली में जो कज़न होते हैं ना, जो शादी में जाते हैं तो ऐसे आपके बाकी कज़न, अरे ये देखो ये मेडिसिन कर रहा है, अरे ये इंजीनियरिंग कर रहा है, और तू कितने रसगुल्ले खाएगा। मेरी वो औकात बन रही थी वहाँ।
मैंने कहा ये चेंज करना है यार, ऐसे तो नहीं चलेगा. तो मैंने कहा यार क्या करूँ जो ये लोग मुझे एक बार फिर से मुड़ के देखे कि हाँ नहीं यार ये 76% के आगे भी लड़का कुछ कर सकता है. तो खुद से, एंड दैट इज़ अ बिग डिफरेंस, वन ऑफ द लेसन टुडे. जो भी होगा ना, पेरेंट्स आए हैं आज, ये जिसका भी इस एग्ज़ाम में होगा वो खुद से करेगा. मम्मी चाहे जितनी डांटे लगा लें कि जाओ बेटे पढ़ो, वो जब तक अंदर से नहीं आएगा नहीं होगा. क्योंकि मेरे अंदर भी खुद से आया कि बॉस मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ से निकले जा रही है, कोई नहीं परवाह करेगा. तो मैंने कहा सबसे मुश्किल कॉलेज कौन सा है इंडिया में जहाँ एडमिशन पाना. तो उस टाइम पे इतना कोई इंटरनेट वगैरह भी नहीं था, पर मेरे को IIT सबसे मुश्किल होता है. IIT में तुम करके दिखा दो तो लोग बोलेंगे कि तुमने. तो फिर उसके बाद मैंने IIT की मेहनत स्टार्ट की. मैंने आपको पहले ही कहा मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, तो मुझे बहुत मेथोडोलॉजी से पढ़ाई करनी पड़ी थी. अगर आप बहुत गिफ्टेड हो शायद आपके मन में सारा JEE डाउनलोड हो जाए एक ही सेकंड में, पर मैं तो नहीं था वो, और मोस्ट लोग नहीं होते वैसे. तो मेरे को प्लानिंग से पढ़ाई करनी पड़ी, प्लानिंग से तैयारी करनी पड़ी. और वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट. आज तो मेरा काम अलग है, ये मेरा करियर है. वेरी क्विकली बुक्स करता हूँ, फिल्म्स करता हूँ, कॉलम्स लिखता हूँ मैं अखबार में, टेलीविज़न पर कभी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में कुछ करता रहता हूँ. लॉट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स में मैंने काम किया. कई लोग मुझे बोलते हैं आपने कैसे किया इतने अलग अलग फील्ड में, प्लस आप तो इंजीनियरिंग करते थे, कैसे अलग अलग फील्ड में आपने थोड़ा थोड़ा सक्सेस वहाँ पे मिला आपको. मेरे लिए सेम ही है मेथोडोलॉजी. ऑफकोर्स काम अलग है, पिक्चर बनाना और JEE में होना एकदम अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मेंटल प्रेपरेशन सेम है, मेंटल थिंकिंग सेम है. किसी भी चैलेंज को जाकर किसी भी चीज़ को ओवरकम करना. और वो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है जो मैं आज आपको समझा दूंगा, जो आपके एक्चुअल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी हैं उसके लिए यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं मेरे बाद, और ज़्यादा वो आपको ज़्यादा बेटर समझाएंगे. लेकिन माइंड को कैसे रेडी करना है इस तैयारी के लिए वो मैं आपको समझाऊंगा, जो शायद स्कूल में नहीं बताया जाता. जो लोग घबरा जाते हैं तैयारी करने से, यार ये तो मेरी औकात के बाहर है, ये तो होगा ही नहीं मुझसे, वो मैं आपको समझाऊंगा. ऐसा क्यों होता है, आपका माइंड क्यों कहता है ये, सो दैट यू आर एटलीस्ट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस, राइट. एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लोग भूल जाते हैं, शॉर्ट एफर्ट गोल्स वर्सेस लॉन्ग एफर्ट गोल्स. ठीक है, सपोजिंग मैं आपको बोलूं कि अपना कमरा साफ करो, आपको कितनी देर लगेगी, एक घंटा, दो घंटे मैक्सिमम, चलो बहुत गंदा है तो. आपको मैं बोलता हूँ खाना बनाना है किसी के लिए, कितनी देर लगेगी, दो घंटे मैक्सिमम. ठीक है, आपको मैं बोलता हूँ बाजार से सब्जी लानी है, एक दो घंटे लग जाएंगे, ले आओगे. ये गोल्स हैं, गोल है कमरा साफ करना, ये करना. आपने गोल अचीव कर लिया, कर लोगे, हाँ सब्जी ले आना, ले आए, गोल अचीव हो गया. पर क्या आज तक आपने ये सुना है कि यार ये आदमी बहुत सक्सेसफुल है, ये कल 3 किलो टमाटर खरीद के लाया, कहते कभी ऐसे, क्यों नहीं कहते, ये भी तो गोल था, आज का काम था टमाटर लाना, टमाटर के बिना कैसे सब्जी बनेगी. पर नहीं कहते, उसे नहीं कहते आपने औकात पार किया, उसे नहीं कहते आपने सक्सेस लिया, क्योंकि ये छोटी मेहनत के काम है. छोटी मेहनत मतलब एक दिन में 2-3 घंटे की मेहनत के काम. ये काम रोज आते हैं, ये काम रोजमर्रा की जिंदगी है, ये सब करते हैं. इसको करने में भी एक अचीवमेंट, ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब आपकी तारीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बोलेगा कि ये बड़ा सक्सेसफुल आदमी है, क्योंकि ये छोटी मेहनत का काम है. अगर आपको औकात पार करनी है, मतलब अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो इनवेरिएबली काम जो है वो लंबी मेहनत का होगा. ठीक है, अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे IIT की तैयारी करनी है, 3 दिन में हो जाएगी, हो सकता है ऐसे? अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे एक बुक लिखनी है, बस 4 दिन दे दो, हो जाएगा, नहीं हो सकता. मेरे को वेट लूज़ करना है 10 किलो, परसों तक हो जाएगा, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता. ये लंबी मेहनत के काम है, और लंबी मेहनत के काम जो है उनको करने का तरीका अलग होता है, वो मैं बताता हूँ कैसे. हम मोटिवेशन की बात कर रहे थे. अगर आपका मन नहीं है कमरा साफ करने का, आपका मन नहीं है खाना बनाने का, सब्जी लेकर आने का, आप अपने आप को क्या कहते हो माइंड में? चल कर ले यार, चल करके ख़त्म करना, फिर सोएंगे, फिर फेसबुक देखेंगे, फिर TV देखेंगे, जो भी है बस करना, ख़त्म कर.
इसे मैं कहता हूँ धक्का मार मोटिवेशन. इट इज़ फाइन, हम धक्का मार मार के अपने आप को मोटिव. अगर आपका मन कर रहा है वो काम करने का वो तो अलग बात है. आई एम सेइंग सपोजिंग आपका मन नहीं है, आप अपने आप को पुश करते हो धक्का मार मोटिवेशन, दैट्स व्हाट यू डू. इट डजंट वर्क फॉर लॉन्ग एफर्ट गोल्स. यू नो कितने लोग मुझे मिलते हैं कहते हैं अच्छा बस अब बहुत हो गया, अब मैं धक्का मारता हूँ, अब मैं करता हूँ, कल से IIT की तैयारी चालू, मैं कल से 15 घंटे रोज़ पढ़ूंगा. वेरी गुड. पहले दिन आपने 15 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन आपने 10 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन 5 घंटे पढ़ा, फिर अगले दिन आपने कहा मुझे IIT करना ही नहीं है. ये क्या बकवास है, कैसे लोग जाते हैं वहाँ पे, क्या उसके बिना कुछ लाइफ में हो नहीं रहा क्या. देखो क्या हुआ, आपके माइंड ने आपके साथ गेम्स खेले, आपके माइंड ने आपके साथ गेम्स खेले और कहा कि तू कट ले बॉस, ये बहुत मुश्किल काम है, ये तेरे बस का नहीं है, तो जीनियस लोग करते हैं. बिकॉज आप धक्का मार स्टाइल लगा रहे हो लंबी मेहनत के काम पे, प्रॉब्लम ये हो रही है. एक और एग्जांपल, आप ज़रूरी नहीं है ये IIT में तो खैर है ही, आप डाइटिंग चालू करो, जस्ट टू एक्सप्लेन द पॉइंट, आज से बस डाइटिंग चालू है, शाम को पार्टी हो गई, गुलाब जामुन आ गए, लोगों ने कहा टेस्ट तो कर लो, बड़ा फेमस. इंडिया के आधे कैलोरीज तो टेस्ट में आ रहे हैं, खा थोड़ ना रहे हैं, हम तो टेस्ट कर रहे थे. और फिर अगले दिन सुबह एक्सरसाइज जाना था और ये डाइटिंग मेंटेन करनी थी, पर अरे यार कल रात को पार्टी में मैंने खा ही लिया है, चल अब मैं पराठे खा ही लेता हूँ, अब तो खराब हो ही गई है डाइट. यू नो ये क्या है इक्विवेलेंट, आप सड़क पे जा रहे हो और आप कीचड़ में गिर गए और आपने कहा मैं गिर ही गया हूँ तो थोड़ा और लोट लेता हूँ, अब मेरी पढ़ाई खराब हो ही गई है, मैं JEE की तैयारी छोड़, अब छूट ही गई है एक हफ्ते से, तो चल छोड़ो अभी मेरे को करना ही नहीं है. दैट इज़ नॉट वॉट यू डू. आप कीचड़ में गिरते हो और अगर गिर गए तो उठोगे, नहाओगे, नए कपड़े पहनोगे और फिर चल पड़ोगे. दैट इज़ वॉट अ लॉट ऑफ पीपल कांट डू बिकॉज दिस इज़ द लंबी मेहनत में यही करना पड़ता है. ये इतनी देर का काम है कि आपको ये सब सीखना पड़ेगा कि अगर मैं गिरूंगा तो कैसे उठना है. ये छोटी मेहनत में नहीं करना पड़ता, छोटी मेहनत में तो आपको सब्जी लानी है ले आए हो, ज़्यादातर चांस ही नहीं है गड़बड़ होने का. इसमें होगा, आप तैयारी कर रहे हो, कभी कज़न की शादी आ जाएगी, कभी इंडिया का मैच आ गया, कभी कुछ आ गया, अब आप बोलोगे मेरा कल खराब हो गया तो आज भी खराब कर लेता हूँ. दैट्स नॉट हाउ यू डू इट, राइट. सो दैट इज समथिंग टू अंडरस्टैंड, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट एफर्ट वर्सेस लॉन्ग एफर्ट गोल्स. अगेन दिस डजंट रिक्वायर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नॉलेज, दिस इज माइंड. इन एनीथिंग इन लाइफ ऑलवेज रिमेंबर दिस, कुछ बड़ा करना है लंबी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो दुनिया नहीं मानेगी उसे, और वो लंबी मेहनत करनी है तो लंबी मेहनत करना सीखना पड़ेगा, ठीक है. तो ये लंबी मेहनत है, इसी से बिग अचीवमेंट्स आती हैं, इसी से जो आज चीज़ आपको इम्पॉसिबल लगती है, इम्पॉसिबल नहीं होती है वो, उसका सिर्फ ये मतलब है 2 साल की मेहनत है, 3 साल की मेहनत है, राइट. एग्जाम्पल्स, राइटिंग अ बुक, क्लाइंबिंग अ माउंटेन एंड टेकिंग एंट्रेंस एग्जाम, they are all same examples. Today we are talking about entrance exams. This is your stage in life. But jo mountaineer hai usko bhi mental preparation wahi karni padegi, right. aap ek floor seedhi chadh sakte ho lekin aap mount everest aaj nahi chadh sakte, lekin agar 2 saal aapko main training mein laga dun shayad chadh jaoge. same for IIT JEE preparation, aaj aap nahi kar sakte lekin 2 saal aapko laga dun main sahi tarike se to kar loge. that's how human beings are. And you have to believe that कि human beings ऐसे ही better होते हैं, कोई भी लंबी मेहनत करके ही आगे बढ़ता है, कोई भी ऐसे नहीं है किसी का तुक्का नहीं लग गया कि कोई कहाँ से कहाँ पहुँच गया. ये मेरा 6-step plan है which I'll tell you I use कैसे लंबी मेहनत करती है. सबसे पहले आपको एक goal बनाना पड़ता है कि मेरे को ये goal बनाना है कि मेरे को JEE 2020 तक करना है, या JEE 2022 जो भी आपका है, या AIEEE इतनी रैंक चाहिए, जो भी आपका है PMT, गोल बनाना है कौन से साल का. सपने नहीं लेते रहना, ड्रीम और गोल में फ़र्क समझो. ड्रीम है एक दिन मेरा अच्छे कॉलेज में होगा, मेरे को बड़ा अमीर होना है, मैं चाहता हूँ लोग मुझे माने, ये सब सपने हैं. आपको प्रिसाइस टाइमिंग और क्या, कौन सा एग्ज़ाम, कौन सा साल, आपको लिख के अपने दिमाग में बिठा के रखना कि मेरा ये गोल है,
आइडली तो स्टडी टेबल पे लगा होना चाहिए, ये मेरा गोल है बॉस। वो गोल आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐश करो, मज़े करो, आपको देख के मुझे लगता है कि मैं मज़े नहीं करता हूँगा, मैं फुल इन्जॉय करता हूँ अपनी लाइफ, लेकिन जो मेरा गोल है वो सबसे सामने होता है। आज मेरा गोल है मेरी नेक्स्ट बुक फॉर एग्जाम्पल जो आ रही है अभी, मैं पहले उसके काम करूँगा। आज मेरा गोल है ये आके टॉक देना, पहले मैं ये करूँगा उसके बाद मज़े का सोचूँगा। उस गोल का मतलब ये नहीं है कि आपने लिख दिया और लगा दिया और हो गया काम। उस गोल का मतलब है कि आप वो गोल आपके लिए एक तरह से आपका रिलीजन की तरह हो गया है। वो आपको उसकी, आपको उसी के लिए अपनी जीवन जीना है, उसी के लिए आप सुबह उठते हो, यू नो। और ऑब्वियसली 24 आवर्स कोई नहीं काम कर सकता, तो आप रिलैक्स भी करते हो, लेकिन वो गोल आपका मेन है। रीजंस बिहाइंड दैट गोल, आपके पास रीज़न क्लियर होना चाहिए, क्यों चाहिए आपको ए जे ई, मम्मी कह रही है, सारे दोस्त कर रहे हैं, मैं क्या करूं, और इसके अलावा समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, ये सब फालतू रीज़न है। पिता क्यों, आप कर रहे होगे ना तैयारी, 3 महीने बाद आप थक जाओगे, फिर आपका माइंड बोलेगा मैं कर क्यों रहा हूँ, आपके पास अच्छा रीज़न ही नहीं है। मम्मी ने कहा था करने को, माइंड बोलेगा चल छोड़ना, फिर मम्मी तो बोलती रहती हैं, आप क्विट कर जाओगे, सीधी सी बात है। और करते हैं बच्चे, आपके मन में रीज़न क्लियर होना चाहिए, मुझे करना है, आई डिज़र्व द बेस्ट, मुझे दुनिया को दिखाना है कि मेरे अंदर कुछ है अलग, मुझे दिखाना है कि मेरी औकात कहीं ज़्यादा है जहाँ मेरा जन्म हुआ है, यू नो। दैट हैज़ टू कम फ्रॉम यू एंड इट कैन बी वट एवर रीज़न, बट इट हैज़ टू बी इधर से, खुद से। दिस इज़ वेयर अ लॉट ऑफ किड्स डोंट डू इट राइट, एंड देन इफ योर रीज़न इज़ राइट तो आप कुछ भी करते हो, राइट। फाइंडिंग द ग्रुप, आपके घर में सारे सारा दिन समोसे कचौरियाँ खाते हो, आप कैसे सैलेड वाली डाइट पे जा सकते हो? समोसे कचौरी टेस्टी होते हैं तो मन करेगा आपका खाने का, और आसपास होगा तो ज़्यादा खाओगे। अब आपके दोस्त सारे नॉन सीरियस हैं, जो पढ़ाई के बारे में ज़्यादा, फेसबुक इज़ द बिगेस्ट बुक दे हैव, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फॉर देम, इट इज़ नॉट अ बुक एक्चुअली। देन हाउ विल यू स्टडी? ईजी थोड़ा होता है पढ़ना, मैं कहा है कभी ईजी है, मन तो करता ही है, लेटो इंस्टाग्राम पे फोटो लाइक करो, ऑब्वियसली मोर फन, नोबडी इज डिनाइंग दैट, बट यू हैव टू से नो, माई गोल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंस्टाग्राम। और अगर आपकी कंपनी अच्छी होती है तो वो बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो लोग ओवरलुक करते हैं, when you join a something like a preparation, like a PACE preparation program or something, the teachers are one thing, but the other students there are also important. आपकी जो संगत है वो संगत बहुत ज़रूरी है। So you will get the right group if you are around people who are equally serious about your same goal, you will work better, right? Then is the action plan, most important thing of लंबी मेहनत। 2 साल की preparation है, आपको उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करना है। आप हाथी को कैसे खाओगे? हाथी खाने के लिए कैसे खा नहीं सकते, छोटे छोटे पीसेस करके खा सकते हो। आपको लंबी मेहनत को छोटी मेहनत ही बनाना है, लेकिन डेली का गोल 50 चैप्टर है फिजिक्स के, हर हफ्ते एक चैप्टर करना है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग, हर चैप्टर में 25 प्रॉब्लम्स हैं, तो रोज़ के 5 प्रॉब्लम्स मुझे करने हैं, जस्ट इलस्ट्रेटिव पर्पसेस। देन आपका वो डेली का गोल है 5 प्रॉब्लम, फिर आपका मन नहीं हो रहा चलो लगा लो धक्का मार, 5 प्रॉब्लम किए छुट्टी, लेकिन रोज़ करना है। एक दिन छूट गया, कीचड़ में गिर गए, अगले दिन उठ के फिर से चालू करना है, शायद अगले 5 दिन 6-6 करने पड़ेंगे। यू हैव टू लर्न दैट, दैट एक्शन प्लान एंड सेटबैक डीलिंग मैकेनिज्म इज वही, वो कीचड़ में गिरना और उठना वो सीखना ज़रूरी है। फेथ, यू नो इट्स वेरी हार्ड टू कीप द फेथ जब लंबी मेहनत होती है। आई एम टेलिंग यू, इवन नाउ आई हैव डन सो मेनी बुक्स, फॉर एग्जाम्पल नाउ माई बुक इज़ कमिंग, आई डोंट नो, बीच बीच में कई बार आता है ये किसी को पसंद आएगी नहीं आएगी, ये फिल्म किसी को पसंद आएगी नहीं आएगी, देर इज़ नो वे टू नो टिल यू आर फिनिश्ड, टिल इट्स आउट। बट आई हैव टू कीप द फेथ व्हेन आई एम डूइंग द हार्ड वर्क, आई कांट लेट दैट फीलिंग कि यार मेरा होगा IIT में या नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मैं सड़क पर आ जाऊँगा, यू कांट फील लाइक दैट।
You have to have that faith. 2 saal tak you have to have the faith. Mere saath log hain jo meri help kar rahe hain. Main khud mehnat kar raha hu. Mere mein hai, main karunga. Whatever it takes, I'll do something in my life. Nahi hua to kuch aur karunga. Whatever it is. Faith. Faith in God, faith in your parents, your teachers, yourself. Very important. These are things jo lagti hain. Nahi to 2 saal tik nahi pata koi. This is how you approach any big challenge in life. The IIT JEE was my biggest challenge. I'm honestly telling you. Aaj bhi mere ko piche ye discuss kar rahe the kuch problems, friction wagera. Meri jaan nikal gayi. Main kaha yaar bach gaya main, mera time ho gaya. It is very hard. Okay? But it can be fun also. If you have the right company, if you have the right teachers guiding you, if you have a nice environment at home, it is fun to have that goal. It is fun to get into IIT. It is fun to know that you are working on something hard. Ash बहुत मज़ेदार चीज़ है, मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन ash का भी टाइम होता है, एक तो अपना काम करने के बाद, दूसरी एक चीज़ और, see now I am older, I am 44 now, मैं थोड़ी ज़्यादा ash कर सकता हूँ actually, जब आप young होते हो आप नहीं कर सकते, it's not fair, जब आपका ash करने का सबसे ज़्यादा मन करता है, तब आप नहीं कर सकते, because जो आप ये 15 to 30 में करते हो ना, वो 30 to 80 आपकी लाइफ में शो करता है, ये है सिस्टम, आप चाहो तो फुल ऐश कर सकते हो, सीरियसली, कुछ मत पढ़ो, सारे टीवी के प्रोग्राम देखो, यूट्यूब के वीडियो आपको रटे होने चाहिए, इंस्टाग्राम पे सारा दिन लाइक करते रहो, 10-15 साल वेस्ट कर दो, पता क्या होगा? उसका बिल आएगा आपके पास, लाइफ आपको बिल थमाएगी, ये लो आपने ऐश करी ना 15 साल, अब अगले 50 साल सफ़र करो, और वो 15 साल जो आप मेहनत कर लोगे ना, ऐश तब भी करोगे लेकिन थोड़ी कम करोगे अपने ऐश परस्त दोस्तों से, आप 50 साल ऐश मतलब उसके बाद एंजॉय करोगे और वो लोग बिल भर रहे होंगे, ये लाइफ का रूल है, मैंने नहीं बनाया तो मुझे मत गले पकड़ना कि क्या बोल के जा रहे हो, ये टाइम क्रूशियल है, ये नहीं आएगा वापस, सच्ची मैं कह रहा हूँ, आई वुड लव टू डू मस्ती 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 करो, लेकिन वो मेरे अपने बच्चे नाउ, आई वुड से दिस इज द फर्स्ट टाइम आई कैन से माई किड्स आर टीनेजर्स नाउ, माई किड्स आर 14, यू नो आई हैव टू बॉयज, आई नो द रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस टीम हैज़, आई नो द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव व्हेन आई कम ऑन स्टेज एंड टॉक, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दे गेट टू देयर पोटेंशियल इन लाइफ, और इंडिया तो ऐसी जगह है कि मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम है लाइक 1% 2% सिलेक्शन रेट, जैसे 1000 लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन आने वाली है और 50 लोग ही चढ़ सकते हैं और फिर चली जाएगी, यू नो, सो यू हैव टू बी रियली वेल प्रिपेयर्ड विद योर मसल्स एंड ऑल कि मैं चढ़ने वाला हूँ बेटे, नाउ आई एम नॉट सेइंग घबरा जाओ, आई एम नॉट सेइंग दैट, बिकॉज आज तक मुझे ऐसा बच्चा नहीं मिला है जिसमें थोड़ा सा एप्टीट्यूड हो, जो थोड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो और जो लगन से काम करे और उसका कुछ ना कुछ ना हो लाइफ में, वो भी नहीं हुआ है आज तक, यू नो इट इज़ लेस, सो बी सीरियस, यू नो मेक दीज गोल्स एंड मेक द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, योर पेरेंट्स आर, यू आर लकी, योर पेरेंट्स आर रेडी टू स्पेंड ऑन यू फॉर स्टडिंग, एक चीज़ है जिसमें इंडियन पेरेंट्स कभी पैसे देने के लिए मना नहीं करते, वो है पढ़ाई, और वो आप लोगों के पेरेंट्स हैं, कई लोग हैं जिनके पास वो ऑप्शन ही नहीं होता है, वेस्ट मत करो, मैं अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ फ्रैंकली, उनको परवाह ही नहीं है कि हम उनके ऊपर खर्चने को तैयार हैं, हम उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं फॉर स्टडिंग, उनको लगता है ठीक है, पर आपको पता है इंस्टाग्राम पे क्या वीडियो आया, डोंट बी दैट, ठीक है, मेक द मोस्ट, फाइंड अ गुड प्लेस, बिलीव इन इट एंड श्रद्धा के साथ, ये तो ऐसे मंदिर वाली जगह में आ जा पाए हो, श्रद्धा के साथ अपनी पढ़ाई करो, यू नो एंड यू विल गेट समवेयर इन लाइफ. Thank you so much for listening to me. There's a very good lineup of speakers and you must listen to them because these opportunities don't come. Jab main chota tha to I wish aise seminar hote hi nahi the. But I will take 2 or 3 quick questions from the audience. If you want to ask me anything, just raise your hand. The mics will come to you again. And I'll answer 2-3 questions and then we'll continue with the rest of the flow. Yeah? Any questions?
पीछे एकदम यहाँ पे भी. हाँ सर प्लीज से योर नेम एंड यू नो. हेलो हेलो एक एक करके मित्रा हियर. हाँ माय चाइल्ड इज एनरोल्ड इन पेस. ओके आई हैव अ क्वेश्चन दैट ऑफन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग बाय द सक्सेस स्टोरीज. हाँ देयर आर सो मेनी वी व्हिच वी हर्ड. व्हाट अबाउट द फेलियर्स इवन आफ्टर गोइंग टू आईआईटीज देयर आर you know every now and then we see news reports of students committing suicide and we have films made out of coaching classes where the pressure is so much that the boy is not able to cope up and you know it doesn't lead to a happy ending. So what do you have to say about these? See, and how do we as a parent you know decide what should our which direction we should push our child? So, I mean, you know, when we make movies out of extreme things. So, movies is separate. But if you're talking of the few cases that can't cope with the system or later on, the journey towards success never stops. It is not ki mera jis din IIT mein ho gaya tha, maine kaha ki ab maine aukaat paar kar liya, ab puri zindagi aur koi mehnat nahi karunga. One of the things that doing the JEE preparation taught me was I can work hard towards anything. In fact, it taught me that I can work hard towards something better than other people, which is what gives me the confidence to try in books or films or other things. Because मुझे लगा मेरे में जितनी capacity है, शायद मेरे में इतनी capability कम हो, शायद मेरा talent कम हो. I'm honestly telling you, there are writers who are more talented than me. लेकिन सहन शक्ति मुझ में ज़्यादा है, वो उनमें नहीं है. That is what you learn and that journey will not stop. Theek hai? I won't worry about those things. Yes, it is disturbing and we must do something about it. But as an individual, for example, say just IIT Delhi where I come from, one of the IITs, they have 45,000 alumni. 45,000. Yes, there may be 4 or 5 cases where things went really bad. But 99.9% people have benefited a lot from going to IIT. They are doing extraordinarily well. They are in a different class of society today because of the college they went into. So you cannot take that away from IIT. But yes, you must have the balance. The JEE preparation is not the only thing that makes a person's personality. How you face failure, how you do you cope with it? Do you kill yourself? Do you say, I will get up and take a bath and walk again? That is also important in a home environment. That is also important for home individuals to do. Wo sab cheeze to seekhni hai. Sab kuch be end and all end nahi hai. Lekin fact is, to get into a good college really gives you a huge lift in life. There is no doubt about it. Good afternoon, everyone. I'm really glad to see at least some hands up in this crowd who want to become doctors. You know, you have already been told and you will be taught different strategies to organize your schedule, to maximize your productivity, to get a rank in entrance exams. So today, I'm not going to be talking about any strategies. I will talk about building an approach, okay? When I decided that I wanted to be a doctor, a lot of people, especially doctors, discouraged me ki yaar paisa nahi milta hai, bahut lambi line hai, bahut zyada mehnat karni padegi, 30-35 ho jaoge par tumhara career kickstart nahi hoga. So mujhe us waqt samajh nahi aaya ye log kya bol rahe hain, and I decided ki mujhe doctor banna hi hai, and I became a doctor, and I'm very happy I became a doctor. When you decided, all these hands that went up in the air when I asked, is there anybody who wants to be a doctor? When you decided that you wanted to be a doctor, you automatically took on yourself the responsibility to treat people, to heal people of their illnesses. Aur ek bahut badi responsibility hai. Spider-Man sabne dekhi hai, mostly sabne dekhi hai. Usme ek line hai, with great power comes great responsibility. उसका वाइस वर्सा भी ट्रू है. व्हेन यू टेक ऑन अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू गेट द पावर टू फुलफिल इट. तो आपने जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लुक एट द बिगर पिक्चर, सी योर सेल्फ रेवोल्यूशनाइज हेल्थ केयर इन आर कंट्री,
see yourself bring about a change in the lives of people of our country. You know, jab itni aap itna soch sakte hain, automatically aapke paas wo power aa jayegi. Aur itne powerful insaan ke liye, no exam is difficult. Every entrance exam is easy. Just take your entrance exam as a step towards your bigger goal. So I'm now going to hand over. Don't worry about it. Just go for it. Just crack your exams. And I can see the future of doctors, the future of healthcare in our country. Wow. Yeah?